पांत्रो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेश भगवान की जय। वृषभादि वीरांचो शंकर भगवान की जय। पंच परमेश भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वृंद प्रविष्टि भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। तीन कम नौ कोटि मुनिराजों की जय। गुरुराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। महामृत्यु विधान की जय। अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। बहुत सुंदर परम पूज्य प्रज्ञाचार्य गुप्त नंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। अभी आपने यहाँ पर सुंदर सुंदर दीपक, बिल्कुल स्वर्णिम दीपक, पुखराज मणि के समान सुंदर से दीपक आपने देखे, और बहुत ही सुंदर विधान मंडल आप देखें। एवरी डे हमारे यहाँ पर नित्योत्सव होता है। ये सब जो है गुरु कृपा का ही परिणाम है। आपने आज का विषय माता जी रखा है जीवन में गुरु का महत्व, तो ध्यान रखिए अभी गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है। 24 जुलाई को होगी गुरु पूर्णिमा, कल 9 तारीख को गुरुदेव का दीक्षा दिन है। जीवन में ध्यान रखिए, जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु से शुरू होता है। जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु से शुरू होता है और वो बदले से भी होता है, इसका कोई गुरु नहीं होता। चाहे किसी भी संस्कृति में आप जाइए, हर जगह गुरु का महत्व है। भारतीय वांग्मय में आपने नाम सुने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम यदि राम बने, विश्व के मित्र बने हैं, तो विश्वामित्र के चरण में जाकर बने। कृष्ण कर्मयोगी बने हैं तो सांदीपनि ऋषि के चरण में बने हैं, और जितने तीर्थंकर भगवान हैं, ये सारे के सारे तीर्थंकर भगवान कई तीर्थंकर बनते हैं तो कहीं ना कहीं पहले भाव में गुरु कृपा से ही तीर्थंकर बनते हैं। बिना गुरु के मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। इसलिए मैंने कहा जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु से शुरू होता है। हर जगह गुरु चाहिए। जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं उनके लिए भी गुरु चाहिए। नौकरी करना हो गुरु चाहिए। घड़ी साज बनना है वहां भी उस्ताद चाहिए। पहलवानी करना चाहिए वहां गुरु चाहिए। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। आप देखिए, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे समाज के लोग हैं, ऐसे प्रकार के संप्रदाय हैं कि जहां पर भगवान का महत्व नहीं, वहां पर सीधे गुरु को माना जाता है। सिख समाज में गुरु द्वारा होता है। स्थानक वासियों में सिर्फ स्थानक होता है, थानक होता है, मंदिर नहीं होता वहां पर, गुरु के लिए स्थान है। लेकिन जैन वांग्मय तीन को स्वीकार करता है, देव शास्त्र और गुरु। देव भी चाहिए, जिनेंद्र भगवान होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए और गुरु होना चाहिए। मुसलमानों में भी उस्ताद होते हैं, खलीफा होते हैं जो सिखलाते हैं। सिख समाज जिसका नाम ही सिख है, शिष्य से सिख बना है। आप किसी का जीवन देखिए, इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट दे रहा हूं, आप शाम को बोलने के लिए तैयार रहिए। जीवन में गुरु का महत्व, इस पर आप चाहे जितना बोल सकते हैं। गुरु के बिना है क्या? मराठी में कहा जाता है, गुरु बिना कौन दाख बिलवाड़, गुरु बिना कौन दाख बिलवाड़, जगत में अवगढ़ डोंगर घाट। थोड़ा हिंदी थोड़ी मराठी मिक्स। गुरु के बिना कौन मार्ग दिखलाएगा? इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु महेश्वर है। तो गुरु ही हमारे अंदर की बुराइयों को निकालते हैं, नष्ट करते हैं। गुरु महेश्वर, गुरु से ही हमारी उत्पत्ति होती है, हमारे अंदर का भगवान जगता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है और गुरु हमारा पालन करते हैं, विष्णु है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक बार पांच पांडवों ने विशेष यज्ञ रखा, राष्ट्रीय यज्ञ रखा, और यज्ञ में पांडव महाभारत के अनुसार पांचों पांडव अपने अपने स्थानों पर सभी देवी देवताओं का अध्यात्म शक्ति को निमंत्रण देने के लिए गए, और अर्जुन श्रेष्ठ नाथ जी के पास पहुंचे और श्रेष्ठ नाथ से उन्होंने कहा कि आपको हमारे, अच्छा अर्जुन के पहले वहां पर भीम भी गए, नकुल गए, सहदेव गए निमंत्रण देने के लिए और कहा कि आपको हमारे यज्ञ में आना है। तो श्रेष्ठ नाग जी ने, ये भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के अनुसार, पांडव पुराण के महाभारत के अनुसार बता रहा हूं मैं, जैन ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, जैन साहित्य के अनुसार नहीं है, हिंदू संस्कृति के अनुसार ये उदाहरण है समझाने के लिए। तो भीम गए देखो, हम तो आपको रोज आशीर्वाद दे रहे हैं, एवरी डे हमारा आशीर्वाद, यूं आप जो है साल दो साल में आते होंगे, सुनीता अली छाड़ो लिखे गुरुदेव, दो साल हो गए आशीर्वाद नहीं मिला आपका, गुरु पूर्णिमा को वो मतलब एक लाइव सामने नहीं हो पा रहा है लेकिन इंटर लाइव अपना हो रहा है। नहीं, होली पे आए थे, उसके बाद नहीं आ पाए ना, दो साल होने जा रहा है, किसी को चार साल, किसी को पांच साल, किसी को पांच महीने होने जा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ में जो मीटिंग के माध्यम से हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, अब डेली आपके बीच तो सुबह शाम आप सुनना चाहें तो मेरा द्वार खुला हुआ है सभी के लिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि भीम पहुंचे श्रेष्ठ नाग जी के पास में, कहा कि आपको हमारे यज्ञ में आना है। तो महाभारत के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, महाभारत के अनुसार श्रेष्ठ नाग जी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं धरती को मैं टिका कर रखा हूं, मेरे 12 फणों पर धरती टिकी हुई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो भीम ने कहा कि आप वहां पहुंचिए, मैं धरती को धारण करता हूं। तो श्रेष्ठ नाग जी ने कहा कि आप पहले प्रयास कीजिए, और एक फण श्रेष्ठ नाग जी ने हटाया और भीम ने अपनी गदा लगा दी, पर वो पृथ्वी के भार को झेल नहीं पाए, आखिर उनको क्षमा मांगनी पड़ी, नकुल भी गए, सहदेव भी गए, परंतु नहीं कर पाए। वही अर्जुन गए, अर्जुन से ही वही कहा कि मैं धरती का, ये धरती दशातल में समा जाएगी, इसलिए इसको संभालना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन ने कहा मैं प्रयास करता हूं, बोले ठीक है। अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने जीवन में यदि कभी सच्चे मन से गुरु की भक्ति की है, गुरु की सेवा की है, गुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो हे गांडीव तू इस धरती को धारण कर। और अर्जुन ने अपने गांडीव को लगा दिया तो कहते हैं धरती उस पर ठहर गई। कुल मिलाकर के गुरु कृपा से हर रास्ते निकल जाते हैं, और गुरु वो होते हैं कि जीवन अपना उज्जवल कर, जीवन अपना उज्जवल कर शिष्य को उन्नति की ओर बढ़ाते हैं, जीवन अपना उज्ज्वल कर शिष्य को उन्नति की ओर बढ़ाते हैं, रच देते हैं जो इतिहास नए, रच देते हैं जो इतिहास नए, ऐसे गुरु समाज के भाग्य विधाता कहलाते हैं। गुरु ही हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं, इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कबीरा वे नर अंध हैं, कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को मानत और हरी रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर दास जी कहते हैं मनुष्य अंधा है जो गुरु को कुछ और मानता है, इसलिए कभी भूल करके भी
जाने अनजाने प्रत्यक्ष परोक्ष में कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना। गुरु की निंदा से बड़ा पाप नहीं है और गुरु की भक्ति से बड़ा पुण्य नहीं है। इसलिए आचार्य तो लिख देते हैं कि जिस समय तुम उज्ज्वल परिणामों से गुरु को प्रणाम करते हो, देखो गुरु का महत्व कितना है। तो कहा भैया अपा माता जी शांतता, आप लोग पीछे खड़े डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल मैं आपसे बात कर रहा था गुरु का महत्व। आज जो परंपरा आपके समक्ष है, मैं आपके समक्ष हूं, तो ये गुरु कृपा है। कल गुरुदेव का दीक्षा दिवस है, हम सबके गुरु भारत गौरव मंत्र विद्या चक्रवर्ती 8 हमारे संरक्षक गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव, कल उनकी दीक्षा के 55 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 56 लग रहा है। गुरुदेव अपनी दीक्षा के हीरक महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं और गुरु यदि गुरु बने हैं तो गुरु कृपा से बने हैं। आचार्य गुरुदेव कुंत सागर जी गुरुदेव, गणाधिपति गणधराचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव, वैसे जो महीना है पूरा ये अपने संयम उत्सव मना रहे हैं इसको, और इसको नाम किया विश्व शांति संयम उत्सव, कि विश्व शांति का संयम उत्सव है, संयम का उत्सव है और संयम ही उत्सव है। संयम के बिना आपके जीवन में उत्सव ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वरम व्रते पदर देवम ना व्रतिर्वत नारकम। इस संसार में व्रतों को धारण करना सबसे अच्छा है। एक पाकिस्तान में कवि हुआ, उस कवि ने तो लिख दिया, वेश दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजाक कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तू खुशहाली का, मजाक कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तू खुशहाली का, दिगंबर मुद्रा आनंद की मुद्रा है, खुशी होने की मुद्रा है। बच्चा हो या बच्ची उसने निंदिया आए अच्छी, बच्चा हो या बच्ची उसने निंदिया आए अच्छी, तन पर हो न लंगोटी उसे चिंता हो फिर किसकी, ना भय रखवाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। बहुत सुंदर गीत है। पाकिस्तान में एक जैन कवि हुए, उन्होंने गीत बनाया है कि जब लड़का हो चाहे लड़की, अपने यहां दिगंबर मुनि होते हैं, और पास में होना लंगोटी उसे चिंता हो फिर किसकी, कोई चिंता नहीं। हम लोग कई बार विहार करते हैं तो रास्ते में सो जाते हैं, कोई चिंता नहीं, धरती हमारा बिछड़ा बन जाता है और आसमान हमारा चदर बन जाता है, दिशा हमारी बंदर वस्त्र में दिगंबर। जीवन में गुरु का महत्व बताते हुए कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा वेनर अंध है गुरु को माना तो, वे मनुष्य अंध है जो गुरु को कुछ और मानते हैं। हरि रूठे गुरु ठोरे, यदि कर्म रूठ जाए भाग्य रूठ जाए और एक गुरु की शरण मिल जाए तो गुरु हर संकट से पार कर देते। जलते हैं दीपक की तरह, जलते हैं दीपक की तरह करोड़ों जीवन रोशन कर जाते हैं, जलते हैं दीपक की तरह करोड़ों जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह से गुरुदेव, उसी तरह से गुरुदेव अपना फर्ज निभाते। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव यदि आचार्य बने तो वह अपने गुरु आचार्य आदि सागर कृपा से बने। आचार्य शांत सागर जी गुरु बने तो गुरु कृपा से बने। गौतम गणधर बने
गुरु कृपा से बने, भगवान आदिनाथ बने गुरु कृपा से बने। आदिनाथ भगवान ने गुरुओं को आहार दान दिया, गुरु सेवा की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, आह्वान किया। देखिए, आप गुरु को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने मात्र से आपको उच्च गोत्र का बंध हो जाता है। ध्यान रखना, गुरु को प्रणाम करोगे उच्च गोत्र का बंध होगा, और गुरु का अभिनय करोगे, गुरु से बहस करोगे, गुरु के लिए उपशब्दों का प्रयोग करोगे तो वही नीच गोत्र का बंध होगा। भोगो दानात, गुरु को आहार दान दोगे तो आपको सारे भोग मिलेंगे, घर मकान दुकान संपत्ति पैसा परिवार पत्नी जो कुछ भी है, सारे सुख हैं वो सब गुरु कृपा आहार दान से मिलता है। तो गुरु को आहार दान नहीं दोगे तो ये सब नहीं मिलेगा, समझ के चलो आप। प्लस और माइनस, उपासना पूजा, गुरु की उपासना करोगे पूज बनोगे, गुरु की विराधना करोगे तो आपको अपेश मिलेगा। भक्ति सुंदर रूपम, और गुरु की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनाथ कीर्ति स्तपो निधि, और स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। आप जिस समय गुरु को अपने घर में पढ़गाते हैं, आप गुरु का स्वागत करते हैं, गुरु की अगवानी करते हैं, तो हमारा ग्रंथ हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु की अगवानी करने पर सौभाग्य आपका स्वागत करता। जिसके घर में गुरु का स्वागत होता है, भाग्य पुण्य यश सब उसके घर में ऑटोमेटिक चले आते हैं। जीवन में गुरु का कितना महत्व है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा गर्भ में आया, तो गर्भ में आने के साथ ही गुरु कृपा चालू हो जाती है। जो बच्चे गर्भ से गुरु के संस्कार पाते हैं, गुरु के मन संस्कार पाते हैं, बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। जन्म हुआ, गुरु का दर्शन, गुरु के द्वारा नमोकार मंत्र, और जन्म के साथ ही सबसे पहले गुरु के द्वारा नमोकार मंत्र सुन लिया तो वह नमोकार मंत्र उस बच्चे के लिए सफल और सिद्ध हो जाता है। ध्यान रख लेना, अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक परिवार हैं, अनेक अनेक प्राणी हैं, उसमें हरेक का भाग्य नहीं होता। लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, नमोकार मंत्र का जाप सब करते हैं, पर एक बढ़ता है तो पढ़ते उसे काम सिद्ध हो जाता है, दूसरा हजार बार प्रति भी काम सिद्ध नहीं तो क्यों नहीं होता है। कारण यही है, यदि पहला बार बच्चा नमोकार मंत्र सुनता है, घर से मंदिर आया, और सबसे पहले यदि दिगंबर गुरु दिगंबर आचार्य किसी धारी के मुख से नमोकार मंत्र सुन लिया तो वह मंत्र उस बच्चे के लिए सफल और सिद्ध हो जाएगा। और यदि उसे कोई पंडित पुजारी नमोकार सुनाता है, कोई सामान्य गृहस्थ नमोकार सुनाता है, तो मंत्र उसके लिए सिद्ध नहीं होता है। जब भी किसी बच्चे को आप लेकर के जाओ तो गुरु के पास लेकर उनसे नमोकार मंत्र सुनवाइए, मंगल हो जाएगा। हम लोग के पास हो रहे क्या, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर, महावीर से लेकर गौतम स्वामी, गौतम स्वामी लेकर जम्मू स्वामी, चंद्र स्वामी, और आचार्य शांत सागर जी, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कृति के विमल सागर, तन्मय सागर जी, कुंभ सागर जी, ये सारे आचार्य जो भी हैं गुरु कृपा का परिणाम। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय गुरु हमारे ऊपर मंत्र का संस्कार करते हैं। वो पावन दिन कल का दिन 9 जुलाई, जिस दिन हुमचा क्षेत्र में, देखिए आप, हमारे गुरुदेव आचार्य कुंभ सागर जी गुरुदेव, जगत गुरु आचार्य भगवान ऐसे महान पुण्यात्मा हैं कि जिनका जन्म ही पंडित रेवाचंद जी घर में हुआ। माता सोहन देवी और पिता रेवाचंद, पंडित रेवाचंद, इतना बड़ा भाग्य था कि उनको दत्त, जैसे तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर भगवान जैसे बचपन से कभी पाठशाला पढ़ने नहीं जाते हैं, गुरुकुल पढ़ने नहीं जाते, ऐसे हमारे गुरुदेव भी गुरुकुल पढ़ने गए नहीं, पाठशाला नहीं गए, घर में उनको गुरु ने, उनके पिताजी ने गुरु ने पढ़ा दिया। और हमारे गुरुदेव ऐसे विशेष भाग्यवान हैं कि जिस साल गुरुदेव जन्मे सन 1947 में गुरुदेव का जन्म हुआ, और जन्म होते के साथ ही 4-5 महीने देश आजाद हो गया। ऐसे शुभ भाग्यवान हमारे गुरुदेव, देश आजाद हुआ और 1947 में गुरुदेव का जन्म हुआ, और लगभग
67 में आपकी दीक्षा हुई, 67। गुरुदेव जिस समय जन्मे, नाम कन्हैया था उनका, माँ सोहन देवी, पिता रेवत चंद जी, और छोटा सा गांव बाठेड़ा, अड़िंदा पार्श्वनाथ के पास में छोटा सा गांव है, मात्र 2-3 किलोमीटर पर है, मैं वहां गया हूँ। तो रेवत चंद जी पंडित जी ने घर में उनको पढ़ाया। जब पढ़ाई लिखाई हो गई और वे करीब 16-17 साल के हुए, उस समय वह रोजगार के निमित्त से बाठेड़ा से उदयपुर होकर के अहमदाबाद में गए और अहमदाबाद में नौकरी करने लग गए। पर बचपन से पिता के द्वारा दिए गए धर्म के संस्कार वे जागृत हुए और उन्हें मुनि युगल मिले। वहां पर अहमदाबाद में 2 मुनिराज मिले जिनका नाम था आचार्य मुनि श्रीमंतर और मुनि सुभाव सागर जी। उन 2 मुनिराजों ने उनको देख करके, मुनि युगल को देख करके, उनके परिणाम ऐसे बन गए कि उन्हीं के साथ हो दिए। उनसे ब्रह्मचर्य ग्रहण किया, मोक्ष मार्ग में प्रारंभ किया और अहमदाबाद गुजरात से विहार करते करते वे कर्नाटक में आए। कर्नाटक स्वर्ण गुरुकुला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक देखा और वहां उन्हें 18 भाषाएं ज्ञाता, मंत्र यंत्र तंत्र की ज्ञाता, तप साधना के तीर्थ रक्षा शिरोमणि तीर्थ भक्त समाज स्मरण आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। होता है, समझ में परिवर्तन होते हैं। तो गुरुदेव को बचपन से गुरु मिले, पिता ही गुरु मिले, माता गुरु मिली, बाद में महाज्ञानी आचार्य जो वैद्यों के वैद्य थे, योगी राज थे, अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे ज्योतिषी थे, अच्छे विद्वान थे, ऐसे महाविद्वान महाज्ञानी समाधि सम्राट आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव, जो कि 18 भाषाओं के महाज्ञाता थे, पशु पक्षी की भाषा वो जानते थे, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ऐसे महान तपस्वी थे कि वे ऐसे भक्त, ऐसे जिन भक्त थे कि जय भगवान का दर्शन करते थे तो दर्शन के समय यदि मंदिर में 300 प्रतिमाएं हैं, 1000 प्रतिमाएं हैं, तो हर एक प्रतिमा के समक्ष, चाहे वो छोटी सी मूर्ति 1 इंच की हो, चाहे 3 इंच के भगवान हो, 5 इंच की हो, चाहे 50 फुट के भगवान हो, हर एक भगवान के समक्ष आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव 3 बार उठ बैठकर नमस्कार करते। कभी उनके घुटने पर नहीं दुखे उनके, हमारे बाबा जी शांति गुप्त जी ने उनको देखा है, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव हडोल में आए। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव 108 फेरी कम से कम मंदिर भगवान लगाते थे और हर एक प्रतिमा का 3 बार उठ बैठकर नमस्तु करते थे। आप सोचिए कि हमारा खाली पेट हो और खाली पेट होने पर हम लोग शीर्षासन करें तो बहुत से वक्त 5 मिनट कर ले तो बहुत हो जाएगा, सिर्फ चक्कर आने लग जाएगा। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव आहार होने के पश्चात दोपहर में सामायिक जो करते थे वो शीर्षासन में करते थे, 3 घंटा सामायिक उनकी चलती थी और सिर नीचे और पैर ऊपर करके आहार के पश्चात उनके समय को, ऐसे महान तपस्वी आचार्य थे। तीर्थ रक्षा शिरोमणि, तीर्थ भक्त शिरोमणि थे, तीर्थ मतलब तीर्थों पर उनके चतुर्मास हुए, समाधि सम्राट थे। उनके चतुर्मास प्राय कर 52 गजा, सोनागेर, चंपापुर, सम्मेश शिखर, मांगी तुंगी आदि आदि तीर्थों पर ही हो जाते थे, नगरों में कम आते थे। ऐसे महान ज्ञानी आचार्य स्मित ज्ञान शिरोमणि, तीर्थ रक्षा शिरोमणि, समाधि सम्राट आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव, उनके वो शिष्य बने। और कल मतलब 9 जुलाई को तारीख के अनुसार, तिथि के अनुसार तो आषाढ़ शुक्ल महीना आएगा उनका, लगभग मैं समझता आषाढ़ शुक्ल 11 के आसपास उनका आता है, मेरा भी आषाढ़ शुक्ल 11 ही है तारीख के अनुसार, वो तिथि के अनुसार, और तारीख से मेरा 22 जुलाई है। 1 जुलाई आचार्य गुरुदेव भगवान श्याम सागर जी महाराज का जन्मदिन हुआ, दीक्षा दिन हुआ, तो 9 जुलाई को हमारे गुरुदेव का दीक्षा दिन है। फिर 10 जुलाई को हमारे गणनी आर्य का आस्था का जन्मदिन आएगा, बाल दिवस आएगा 10 जुलाई को। 14 जुलाई को गणनी आर्य का शिवाश्री माता जी का दीक्षा दिन आएगा। 22 जुलाई को हमारा दीक्षा दिन आएगा। हाँ, 3 माता जी, क्षमाश्री माता जी, पावन माता, संयम माता, धनश्री माता जी, उनकी दीक्षा हुई, धनश्री माता जी, 4 दीक्षा थी। तो 9 जुलाई का दिन था, खुमचा क्षेत्र में जब आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव वहां पहुंचे तो हमारे
आचार्य श्री गुण सागर जी गुरुदेव उनको दिशा लेने की बहुत तलक थी। उनने सुना कि हुमचा में पद्मावती माता बहुत चमत्कारी, तो वो बच्चे थे 19-20 साल के, तो पद्मावती माता के पास में गए, हुमचा वाली माता के पास में गए और उनसे कहा कि माता मुझे दीक्षा लेना है, मेरी दीक्षा होगी। ये प्रश्नों ने रखा, जैसे प्रश्नों ने रखा तो आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव जहाँ थे वहां पर हुमचा वाली माता ने उनके समक्ष ही आचार्य कुंसर गुरुदेव से फूल गिरा दिए, फूल गिरा करके संकेत दिया राइफ भी हमारे पास में हमारे सामने रोहतक से, और वो कह रहे कि धन्य भागे हम कि हमने आपकी दीक्षा को देखा है, रोहतक मेरी दीक्षा हुई है। 22 जुलाई 1991 को रोहतक मेरी दीक्षा हुई थी। तो राजेश भैया हमारे यहाँ पर हैं जो रोज रहते हैं, अभी प्रवचन सुनने आते हैं, लाभ लेते हैं। यह जो रोहतक का समाज बहुत अच्छा समाज है और वहां पर मेरी दीक्षा हुई 1991 में। उसके बाद अभी 2012 में दोबारा मेरा 22वां चतुर्मास वहां पर हुआ। अब यहाँ पर 31वां चतुर्मास होने की संभावना है। तो ये सब जो है गुरु कृपा का परिणाम। आचार्य गुरुदेव महाशंकर गुरुदेव ने जब पद्मावती माता का आह्वान किया तो उनके आह्वान करते ही देवी जी के सीधे हाथ से फूल गिरा। और जब दीक्षा हो रही थी तो तीन दीक्षा एक साथ में थी, संभव सागर जी, कुंज सागर जी और नवी सागर जी। और होना यह था कि पहले संस्कार संभव सागर जी का होना था, फिर नवी सागर जी, फिर कुंज सागर जी का होना था। लेकिन संभव सागर जी के बाल इतने बड़े थे, इतने घने थे कि उनका समय पर केशलोचन नहीं हो पाया और आचार्य कुंज सागर जी जिनका नाम कन्हैया था, ब्रह्मचारी कन्हैया जी का केशलोचन जल्दी हो गया और लग्न हो गया, मुहूर्त हो गया। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव लग्न को बहुत महत्व देते थे, लग्न महत्वपूर्ण था उनके लिए, समय था, यदि समय को आपने साथ दिया सब कुछ साथ दिया। तो उन्होंने जैसे मुहूर्त हो गया उन्होंने तुरंत आचार्य श्री कुंज सागर जी को मंत्र संस्कार कर दिया, पहले दीक्षा उनकी हो गई। ये भाग्य है, पद्मावती माता का विशेष संकेत है। और ये मैंने भी देखा है, मैं नहीं मानता था इस चीज को। मैं 2003 में गया था तब मैंने देखा पद्मावती माता के वहां फूल गिरता है, तो मैंने नहीं माना। हो सकता दरवाजा जोर से खोलते होंगे, पर्दा गिरता होगा, इसलिए होता होगा, हवा से होता होगा, इसलिए मैंने नहीं माना। अभी जब मैं दोबारा 2017 में गया चतुर्मास करके यहाँ से, तो ऐसे ही मैं गया और मेरे पीछे पंडित जी खड़े थे, मैं आगे था, वो देवी जी से कम हमारा कम से कम 2-3 फीट का फासला था। मैंने पद्मावती माता को दूर से पीछे लगाई तो कहा पद्मावती माता जो हमारी हुमचे वाली माता जो पद्मावती माता आ रही है उसमें आपको आना है, आप उसमें पधारें, अपना आशीर्वाद उसमें दिखलाएं, मैं आपका आह्वान करता हूँ। ऐसे दूर से मैंने किया, मन में बोला, जोर से बोलचन से नहीं बोला, कुछ आह्वान नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ ऐसे दूर से किया। पंडित जी हमारे पीछे खड़े थे, वहां के जो पंडित जी जो है वो देखा कि पद्मावती माता के सीधे हाथ से, मैंने भी देखा वहां पर ऑटोमेटिक 3 फूल नीचे गिरे, जबकि पूरा गेट बंद था, पर्दा नहीं खुला था, कोई हवा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ऐसी तरह तो कोई प्रेशर नहीं था, पूरे ऑटोमेटिक 3 फूल वहां पर गिरे। तो आज भी वहां पर अतिशय है और वहां लिखा हुआ है कि जब तक फूल गिरते रहेंगे और जब तक वहां पर पीछे निर्गुंडी का पेड़ रहेगा और जब तक तालाब में पानी रहेगा तब तक पद्मावती माता का वास वहां पर रहेगा। और वो सारी चीजें आज हैं। तो ये सारी चीजें जो है गुरु कृपा से प्राप्त होती है। गुरु ही जीवन में हमें मुक्ति का पथ दिखलाते हैं, उन्नति का मार्ग बतलाते हैं, हमारे अंदर की सारी कमियां निकाल देते। इसलिए कहा है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काड़े खो अंतर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट। गुरु कुंभकार है और शिष्य घड़े के समान। गुरु कुम्हार हैं, गड़ी गड़ी काड़े खोट, वो अंदर से हाथ लगाते हैं, ऊपर से चोट पर चोट मार करके उस मिट्टी घड़े का आकार देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन का पथ वहां से शुरू होता है, जीवन का पथ वहां से शुरू होता है जहां राह दिखाने वाला गुरु होता है। हम सबका सौभाग्य है गुरु ने हमको राह दिखाई। और आगे 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आएगी। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है, गुरु से पूर्णिमा प्राप्त होती है। और इसलिए 24 जुलाई होता है, 22 जुलाई को 13 से, लेकिन 1:30 बजे से 10 लग जाएगी,
23 जुलाई को 14 से उदय में है, लेकिन वो दोपहर में खत्म हो जाएगी। तो आषाढ़ शुक्ला रात्रि का प्रथम प्रहर 22 जुलाई को मिलेगा। इस कारण से कलश की स्थापना 22 जुलाई को की जाएगी, लेकिन उदय में 23 की मानी जाएगी और पूर्णिमा 24 तारीख की होगी। इसलिए महानुभाव कहना पड़ता है कि जो नींव की भांति हो, जो नींव की भांति हो खड़ी कर देता हो मिसाल नहीं, जो नींव की भांति हो खड़ी कर दे मिसाल नहीं, ले शिष्य शिक्षा आगे बढ़े, शिष्य शिक्षा लेकर आगे बढ़े, गुरु के बिना उद्धार नहीं, गुरु के बिना उद्धार। और तुम गुरु पर ध्यान दो, तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम गुरु को सम्मान दो, तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें नई उड़ान देंगे, गुरु तुम्हें ऊंची उड़ान देंगे। सारे तीर्थंकर गुरु कृपा से बढ़ते हैं। श्रीपाल के जीवन को देखिए आप, श्रीपाल कोटिभट्ट ने गुरु के लिए कहा कोड़ी, तो आगे उसे कोड़ हुआ। उसने कहा गुरु के लिए भांड कहा, तो स्वयं भांड सिद्ध हुआ। उसने कहा इनको फेंक दो, तो स्वयं समुद्र में फेंका गया। और जिसने उसका साथ दिया गलती में, उसके भी कर उसको सब कोड़ हुआ। फिर बाद में जब गुरु से प्रायश्चित मांगा, क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया, तो वही आगे जाकर उससे कोड़ मिट गया और कोटिभट्ट श्रीपाल बन गया। हर एक संस्कृति में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, हर एक के जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं। और गुरुदेव का महोत्सव है, उनके लिए महोत्सव रखा गया है। आज मैं आया हूँ, हमारे मुनि विश्व सागर जी का आना था, लेकिन विहार चल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिली होगी, हो सकता है तो वो नहीं उड़ पाए। कल 9 जुलाई है, तो कल हम सब मिलकर गुरुदेव के पूजन करेंगे। आचार्य भगवान कुल सागर जी का विधान रहेगा और मंत्र के साथ बीच में सिद्धांत हमारा चल ही रहा है। परम गुरु भगवान हमारे तीर्थंकर हैं। और 10 तारीख को शनि अमावस्या है, सवेरे सवेरे 5 बजे स्वामी छत्रपाल जी का विधान रहेगा और उसके पश्चात 7 बजे से भगवान का अभिषेक रहेगा और शनि अमावस्या को मिश्र विधान रहेगा। जिन्हें फार्म भरे होंगे उनको लिस्ट आ जाएगी, आप चिंता ना करें, विधान भी आ जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगी, सबको आपके पास में आ जाएगा। और 11 जुलाई को रवि पुष्य योग है, महान योग है। ऐसे महान योग में रवि पुष्य में, जो कि रवि पुष्य होता ही विशेष करके दान का महत्व होता है और उसमें सोने और चांदी का दान बड़े बड़े ही महत्वपूर्ण रहता है। और ऐसा योग बना है कि रवि पुष्य योग में पूरी संभावना है कि हमारे भगवान जितने हैं वो सारे के सारे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं प्रत्यक्ष यहाँ से उठ करके और वे बड़े मंदिर विराजमान होंगे। तो उस मंदिर में कमल के नीचे और भगवान के कमल के ऊपर और भगवान के चरणों के नीचे एक स्थान रहेगा, उसमें भगवान को विराजमान करने के पहले उस कमल के अंदर में सोना चांदी रत्न अचल यंत्र आदि की स्थापना की जाएगी। तो सारी विधि होगी। यदि आप भी चाहें तो अपनी ओर से आप उसमें रख सकते हैं, आकर रख सकते हैं या अपना नाम दिखा सकते हैं, नाम दिखा करके अपनी ओर से आप कर सकते हैं आपकी शक्ति अनुसार। देखिए यंत्र जो आते हैं, रत्न जो आते हैं, वो हजारों रुपए के आते हैं, फिर भी जो नवरत्न है उसके लिए एक राशि निश्चित की जाती है, 3100 रुपये नवरत्न की राशि है, आप उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। गजशिला है और चांदी का ओम बीजाक्षर है, श्री बीजाक्षर है कि मैं आपको बतलाऊंगा, तो बीजाक्षर भी आप जो है 1100 रुपये के अंदर आप रख सकते हैं। और जो रत्न है, पुखराज रत्न है और जरकन है, 5100 में आप रख सकते हैं। जो भी आपको अपनी ओर से करना हो, रत्न रखें, सोना चांदी आपको रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, स्वयं लाकर रख सकते हैं या आप नाम लिखा कर भी रख सकते हैं, जैसे आपकी शक्ति हो अपनी ओर से आपने दे सकते हैं। और मंदिर का निर्माण कार्य चालू है तो निर्माण कार्य के अंदर ही आप 1,11,111 रुपये देकर के मंदिर अपना नाम दे सकते हैं, परिवार का नाम आपको उसके अंदर आ जाएगा। 1,11,000 में अनेक परिवारों ने नाम दिया हुआ है, उसके अंदर आप भी नाम दे सकते हैं। आप अपनी ओर से मंदिर वेदी बना सकते हैं, मंदिर के बड़े बड़े स्तंभ हैं उनको बना सकते हैं, बहुत बड़ा काम, कम से कम 30 करोड़ का मंदिर है। बहुत सारी वेदी बनना है, शिखर बनना है, कलश बनना है, महाद्वार बनना है, बहुत सारी चीजें हैं। आप समिति को संपर्क कीजिए, शक्ति अनुसार योगदान दीजिए, कम से कम रवि पुष्य योग में अपनी ओर से भगवान की भगवान ठीक ये जो होगा मतलब ये समझ लीजिए कि भगवान के चरण और चरण के ठीक नीचे कमल और कमल में गड्ढा और उसके अंदर भी रखा जाएगा, तो हमेशा हमेशा जब तक भगवान रहेंगे तो सारा मंगल द्रव उसकी कनेक्टिविटी भगवान से रहेगी। मैं अभी महसूस करता हूँ, हम लोगों ने जो 8 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया था और आज शिलान्यास होने के पश्चात करीब हम 22 फीट ऊपर आ चुके हैं, और जहाँ शिलान्यास हुआ था उसका जो पद्मनाल नाभि उसकी आई हुई है, उसके पास जब मैं खड़ा होता हूँ तो नाभि के पास खड़े होने पर एकदम अलग सी फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग होती है कि
बड़ा ही आनंद उसका दिखता है। हमें लगता है कि हम धरती पर खुद अधर में खड़े हैं, ऐसा अनुभव उसका होता है। और वहां भगवान खड़े होंगे उसके नीचे हमेशा हमेशा के लिए आपकी तरह रखा गया द्रव्य रहेगा, तो आप तो हमेशा मंगल ही मंगल। 14 आज की है, अमावस्या 2 है, कल अमावस्या है और परसों ही अमावस्या है। परसों जो अमावस्या रहेगी वो सूर्य तक रहेगी, तो सूर्य अमावस्या में हम लोग क्षेत्र में क्षेत्र का विधान करेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, उसके पश्चात अमावस्या खत्म होगी, उसकी अमावस्या 2 हो गई। ये ध्यान रखें, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना है। और 10 तारीख को मेरे साथ जो दीक्षा हुई थी वो मैंने अभी परसों दो दिन पहले आचार्य गुणभद्र नंदी जी आए थे, उनके गुरु वो थे आचार्य श्री गुण नंदी जी, मुनिश्री गुण नंदी जी, उनकी दीक्षा गुण नंदी और गुप्त, दो दीक्षा हम लोग के साथ हुई। वो बड़ौद के थे, उत्तर प्रदेश के, मुनिश्री गुण नंदी जी जो बने आचार्य श्री गुण नंदी जी, उनके शिष्य भी आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी हैं और कई माता जी उनकी हैं जो शिष्याएं उनकी हैं, तो वो उनकी और हमारी दीक्षा एक साथ हुई। बहुत समय आप लोगों ने सुना, विश्व सागर जी फिर कभी देखेंगे जैसे कनेक्टिविटी होगी उनका लाभ मिलेगा। और कल 9 तारीख है तो कल हम विधान करेंगे, इसलिए कल भी विधान के अंतर्गत मैं किसी को प्रवचन के लिए नहीं बुलाऊंगा, हम लोग ही सब साथ में रहेंगे। 10 जुलाई को संभावना रहेगी, हो सकता है 10 जुलाई को गणनी आरिका आस्थाशी माता जी त्यांच्या प्रवचन हो शकतो। तुमची भक्ती पाहून मी भारावून गेलो, तुम्हाला सर्वांना दोन्ही हातांनी फार फार चांगला 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 मस्त आशीर्वाद।